इंदौर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला कारोबार से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70 लाख रुपए जब्त किए। हवाला से जुड़े कारोबारियों ने फ्लैट की दीवार में बने गुप्त चैम्बर में इन रुपयों को छुपा रखा था। इंदौर एसटीएफ टीम ने 70,10,000 रुपए, 3 नोट गिनने की मशीन, 9 मोबाइल फोन जब्त किए। दरअसल एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चावरा कंपाउंड में बने नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट से हवाला कारोबार चल रहा है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने मौके पर दबिश दी। काफी सर्चिंग के बाद जब टीम हताश हो गई, तब फ्लैट की एक दीवार में टीम को कुछ अजीब लगा, जहां चेक करने पर दीवार के अंदर एक गुप्त चैम्बर नजर आया, जो एक स्पेशल स्केल से चैम्बर का दरवाजा खुलता था, जिसमें हवाला कारोबारियों ने 70,10,000 रुपए छुपा रखे थे, जो टीम ने जब्त किए। वहीं मौके से 7 आरोपी सुरेश सोलंकी, राजेंद्र, अजय, मेहुल प्रसाद सिंह, दशरथ और विजय को हिरासत में लिया। सभी आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं और हवाला का कारोबार करते हैं। एसटीएफ पुलिस को एक स्पेशल जैकेट भी मिला, जिसमें रुपये को छुपा कर इधर से उधर ले जाया जाता था। फिलहाल ये रुपये किसके हैं और इन हवाला कारोबारियों के तार कहां कहां जुड़े हैं, इस बात का पता लगाया जा रहा है। हवाला कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन रुपयों को जब्त कर इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी। संभवतः हवाले का रुपया गुजरात के एक बड़े व्यापारी का होना बताया जा रहा है। एसटीएफ इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स है जावरा कंपाउंड में, वहाँ हवाला का कारोबार हो रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक की गई और सर्वेलेंस इत्यादि की गई और वहाँ दबिश दी गई, तो कुल 7 व्यक्तियों को, जो सभी गुजरात निवासी है, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 70,10,000 रुपये जब्त किए गए हैं। तो इनके पास नोट गिनने की मशीन और जो नोट स्टेपल करने का बड़ा स्टेपलर होता है वो, 9 मोबाइल फ़ोन और इसके अतिरिक्त कैलकुलेटर, अन्य सामग्री जब्त हुई है। अभी प्राथमिक पूछताछ में उनका कहना है कि 2-3 महीने से कर रहे हैं। जो फ्लैट है, उस फ्लैट में एक रूम में सीक्रेट चैम्बर भी मिला है, जिसमें कि कुछ वो स्केल आदि डालते थे तो स्प्रिंग से वो एक कंपार्टमेंट का गेट खुल जाता था, और उसको खुफिया एक इस तरह का एक चैम्बर भी बनाया गया था, तो वो भी मिला है। सर कहा था का पैसा ही ये अभी आरोपियों को पकड़ा गया है, उनसे विस्तृत जो है पूछताछ की जा रही है और उससे अभी स्पष्ट होगा कि ये कहाँ कहाँ से हवाला का कारोबार होता था और कौन कौन लोग लिप्त हैं। इंदौर से एनके मीणा के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।